राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाई गई। इस अवसर पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशन में शासन निर्देशानुसार रन फॉर यूनिटी का आयोजन पुराना कलेक्टोरेट परिसर में शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय तक किया गया, जिसमें हजार से अधिक विद्यार्थियों एवं अधिकारियों कर्मचारियों शिक्षकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। राष्ट्रीय एकता के नारे लगाते हुए शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए रन फॉर यूनिटी का समापन उत्कृष्ट विद्यालय के मैदान पर राष्ट्रगान के साथ किया गया। इस अवसर पर कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम, पुलिस अधीक्षक धर्मवीर सिंह, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती छाया जोशी, समाज सेवी कल्याण अग्रवाल, SDM ओम नारायण सिंह ने हरी झंडी दिखाकर रन फॉर यूनिटी को रवाना किया। इस अवसर पर जिला शिक्षा अधिकारी KK डोंगरे, PRO पुष्पेंद्र सिंह वास्कले भी मौजूद थे। इससे पूर्व उपस्थित विद्यार्थियों, अधिकारियों, कर्मचारियों को राष्ट्रीय एकता दिवस की शपथ दिलाकर शुभकामनाएं देते हुए कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने कहा कि राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश को एक बनाने का अति महत्वपूर्ण कार्य किया है। देश की एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखना हम सबका दायित्व है। आप सभी बच्चे देश का भविष्य है। आपको इस भावना को बलवित करना है कि देश सबसे ऊपर है, देश है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। संदेश है कि हम सब एक होके अपने देश के लिए रक्षा करें। हम सब मिलके अपने देश के लिए जो आज कर रहे हैं कि पहले से आज बहुत बेहतर है, लेकिन फिर भी हमें कहीं ना कहीं डर है अपने देश के लिए। इसलिए हम एक होकर सब बच्चे बड़े और अभी जो युवा पीढ़ी है वो इतना अच्छा संदेश दे रही है कि हम सब एक हैं और एक होकर हम साथ चलेंगे। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के इस रन फॉर यूनिटी में सब साथ देखकर, मैं मुझे बच्चों को देखकर और अपनी जो महिला है, जो टीचर है, उनको देखकर और सभी भाइयों को देखकर वो बहुत अच्छा लग रहा है कि खरगोन में पहली बार मैं इस कार्यक्रम में आई हूँ और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आप सबको बधाई देती हूँ कि आज हम सब इकट्ठे हों, ऐसे हमेशा देश के लिए भी इकट्ठे रहें और हम अपने देश की सुरक्षा के लिए हम इकट्ठे रहेंगे और रहेंगे ही। जय हिंद। जैसा SP साहब ने कहा कि आज देश के सामने आंतरिक सुरक्षा की बड़ी चुनौती है और आंतरिक सुरक्षा की इस चुनौती को हम सब छात्र, हम सब युवा पीढ़ी, हम सब एकता का संदेश देकर यह रन फॉर यूनिटी का यहाँ पर आयोजन कर रहे हैं। मैं उनकी जयंती पर बधाई भी देता हूँ और आप सब से आशा करता हूँ कि भारत की एकता के लिए, आंतरिक सुरक्षा के लिए हम सब संकल्पबद्ध रहेंगे और उस पर कभी कोई भी आंच नहीं आने देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब चूंकि स्टूडेंट हो, यंग हो, आपको मालूम है कि सरदार पटेल का क्या योगदान है इस देश को एक बनाने में, और आज ये रन फॉर यूनिटी के माध्यम से हम उनके योगदान को याद कर रहे हैं। साथ ही साथ ये प्रेरणा भी लेंगे, एक संकल्प भी लेंगे कि देश की अखंडता, एकता को अक्षुण्ण बनाए रखना हमारा दायित्व है और हम इसके लिए कृत संकल्पित हैं। आप सब बच्चे हमारे देश के भविष्य हैं। आपको इस भावना को बलवती करना है कि देश सबसे ऊपर है, जब देश रहेगा तो हम रहेंगे। इसी भावना के साथ हम सब आज यहाँ इकट्ठा हैं। सरदार पटेल जी के योगदान को याद करते हुए हम उनके प्रति कृतज्ञ हैं और हम संकल्प के माध्यम से उनके द्वारा किए गए कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।